अमर भिलाई, सुंदर भिलाई। तो ये भिलाई हनुमान जी का मंदिर, और सामने कुछ गार्डन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू चैनल व्लॉग टू नेचर, आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। तो फ्रेंड, आज मैं आपको लेके आया हूं खुर्सी पार्क। मैंने सोच कर रखा था कि इस पार्क को मैं आपको लेके आऊँगा, और फाइनली आज मैं आपको लेके आया हूँ। तो इस पार्क को बापू सरोवर के नाम से जाना जाता है, और ये खुर्सी पार्क में है। तो बहुत लंबा चौड़ा साइड मंदिर है हनुमान जी का, और उस साइड है तालाब। तो तालाब भी लेकर चलेंगे हम, आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले हम इधर चलते हैं। तो जब भी गार्डन में आते हो तो फूल ना तोड़ें। तो सामने से कुछ इस तरह दिखेगा आपको, हमर भिलाई, सुंदर भिलाई। तो ये भिलाई में बनाए गए हैं, और सामने देख सकते हो तालाब। तो ये अभी अभी बना है पार्क, और साफ सुथरा तालाब है, तो देख सकते हो। और इस साइड बापू सरोवर, और सामने आपको दिखेगा कुछ इस तरह गार्डन। तो कूड़ा कचरा डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि यहाँ पे अभी से ही ऐसे हाल है, जैसे आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे ना करें, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, सबके लिए है। तो अपने अपने जिम्मेदारी के साथ कूड़े को डस्टबिन ही डालें। तो सामने से देख सकते हो इधर ये पूरा कचरा फेंकना चालू कर दिए हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है सफाई रखने का। और उधर देख सकते हो पिकनिक मना रहे हैं। तो इस तरह झिल्ली पॉलीथीन डस्टबिन में ही डालें। चलते फ्रेंड, इस साइड देख सकते हो चित्रकला बनाए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन। तो अधिकतर स्वच्छता के ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ज़रूरी भी है, क्योंकि गार्डन में जो अभी बना हुआ है गार्डन, तो इसी तरह बनाए रखें, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। और आप जब भी यहाँ आते हो तो यहाँ का पब्लिक प्लेस से कोई नुकसान मत करें, क्योंकि आपके लिए बनाए गए हैं। और सामने देख सकते हो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ये सामने आपको दिख रहा होगा गढ़वो नया छत्तीसगढ़। तो इसका उद्घाटन श्री बघेल जी ने किया है। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ गार्डन में घूमने आते हो तो गंदगी ना करें, जिस तरह बना हुआ है उसी तरह बनाए रखिए, नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सरकार का है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे काम ना करें, और इसी तरह इसको बनाए रखिए। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो ये खुर्सी पार्क में है, पावर हाउस खुर्सी पार्क। तो जो भी आना चाहते हैं आ सकते हो, निःशुल्क हैं। यहाँ से उतरते हैं और चलेंगे यहाँ से। वंदे मातरम, सेव द वर्ड्स, आगे तरफ चलते हैं। कितना अच्छा बेबी अपनी मम्मी की गोद में सो रही है। यह है अर्थ, यानी कि इसमें एक संदेश है कि पृथ्वी पर पेड़ बचाओ, यानी कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। और इसमें संदेश है पानी बचाओ। यानी नो वाटर लाइफ, यानी कि जब जीवन पानी नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो यही कहना है कि नो वाटर लाइफ। अशोक चक्र,
स्वच्छ भारत। तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है, काम चालू है। चलते हैं आगे तरफ और आगे दिखाते हैं आपको। और इस साइड देख सकते हो ये सब योग, योग कला को दर्शाया गया है, क्योंकि आज के डेट में योग जरूरी है।